आप सबका एक बार फिर से स्वागत है गेम गुरु जी पर। मेरा नाम है राजवीर राज पुरोहित और आज हम एक और बार आ चुके हैं बस सिमुलेटर इंडोनेशिया में और आज हम जो है खेलने वाला है ये मोड। भाई साहब आइसर का एक क्रेजी मोड आया है बस सिमुलेटर इंडोनेशिया में जिसके बारे में बात करने वाले हैं। सिर्फ 8-9 MB का मोड है पर यार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फीचर लोडेड मोड आपको देखने मिलता है और जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और यार हमें 79,000 सब्सक्राइबर से जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए यार जल्दी से जल्दी। तो चलो यार चलते हैं यहाँ पर हम इस मोड में। तो यार आउटर लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पर आपको डिटेलिंग वगैरह देखने को मिलती है मोड की और यहाँ पर आपको भाई यार इंडिया में रहकर यहाँ पर हम ब्रिटेन का झंडा लगा रहे खजाब। सीटें वगैरह देखो यार कितनी मोटी सीटें दी गई है ताकि यार ज़्यादा जो है तकलीफ ना हो ड्राइवर को। इसका जो स्टेयरिंग व्हील है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। कुछ अलग ही स्टाइल का यहाँ पर आपको इंटीरियर देखने को मिलता है जो मैंने पहले कभी किसी आइसर में नहीं देखा। मैंने तो इवन ट्रैवल भी किया हुआ है आइसर में पर यार मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर। ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम तो थोकते रहते हैं ऐसे। बढ़िया इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। अरे अरे भैया धीरे आइसर वर्सेस आइसर। ओ भाई ठोक दी बज गया कोई दिक्कत नहीं भैया हमें जा ओ। मैं यार काफ़ी ज़्यादा बुरा हूँ यार सच में बहुत ज़्यादा बुरा हूँ क्या ही कर दिया मैंने। यहाँ पर एनिमेशन की काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है इस मोड में जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। ओके कोई आगे ओ भाई ध्यान से चलाना पड़ेगा वरना यहाँ पर एक तो ये माला इतनी हिल रही है ना भैया सच बता रहा हूँ मेरा तो सर चकरा जा रहा है इस माला को देख देख कर। ओके ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं घुमा लो गाड़ी और भगा दो स्पीड में। यहाँ पर छोटा सा आपको मैप देखने को मिल रहा है जो आप काफ़ी आसान तरीके से जो है नेविगेट कर सकते हैं अपने ट्रक को अपने लोकेशन तक और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर वगैरह देखने को मिलता है। वैसे यहाँ पर जो स्पीड है वो एक्यूरेट मुझे नहीं लगता कि बता रही है उसमें। सो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्पीडोमीटर है वो बंद है मतलब यार सिर्फ आपको गियर वाला जो है स्पीडोमीटर जो है बाकी है। भाई ठोक दी मैंने यार काफ़ी ज़्यादा ये बातों बातों में यही चीज़ें होती रहती हर बार। ओके तो हमारा ये ट्रक है ना पत्थरों से भरा पड़ा है पत्थर है या रेती है मुझे कोई ऐसे आइडिया नहीं लग रहा कि ये क्या है और फिर ये तो हम एनिमेशन की को लगा कर ही पता लगाएंगे। भाई पर इसके टायर ऐसे लग रहा है मुझे लगता है पंचर हो गया बेचारा देखो कैसा लग रहा है ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा है पर कोई दिक्कत नहीं पंचर होगी तो भी हम जो है इसे भगाएंगे। ये सही है इसमें सारी चीज़ें बढ़िया है ये टायर मुझे जो है थोड़े ऐसे अजीब से लगे। भाई ट्रैफिक तो काफ़ी हैवी है। ओके ओके भाई साहब ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई साहब टोक दी मैंने कोई दिक्कत नहीं ऐसे थोड़ी मोटी जो है चीज़ें होती रहती है। ओके ओके भगा लेते हैं बढ़िया से अब साइड से निकाल ले। ओके काफ़ी आसान तरीका है भाई यार यहाँ पर इसमें सारी चीज़ें बढ़िया है बट यार ये जो है ना मुझे सबसे बुरी चीज़ लगी इसके टायर वगैरह जो है बहुत बेकार है यार ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए था टायर को ऐसे इतना तो ट्रैफिक में भी नहीं होता है ट्रैफिक वाला जो कार्स बस है उसमें भी जो है ऐसे टायर नहीं है तो थोड़ा टायर में इम्प्रूवमेंट होता तो और भी ज़्यादा इस में मज़ा आता हमें। बाकी ओवरऑल बात की जाए मोड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है 8-9 MB में वैसे भी क्या ही मिलता है आजकल कुछ नहीं आता। और अब यहाँ पर हम एनिमेशन की बात करेंगे। ओके अगर हम इसके अंदर ले ले डायरेक्ट नहीं हो पहुँच। अब यहाँ पर कई बार आप सबको पता है कि गाड़ी जो है बहुत बुरी तरह से तप जाती है मतलब गर्म हो जाती है तो उसके लिए यहाँ पर एक तो ये एनिमेशन की आपको बताना था मुझे ये एनिमेशन की आपको देखने में मिलता है हाइड्रोलिक वाला एक ये भाई यहाँ पर अपने आप छत वगैरह आ जाती है गेम में तो ये काफ़ी यूनिक लगा मुझे चीज़। और आपका यहाँ पर ये लोड जो है चला जाता है तो ओवरऑल ये मोड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं
मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के इस छोटे से वीडियो में आई होप आपको मज़ा आया होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।